और बढ़िया गया होगा तो आज के सेशन में आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ फ्रॉम ग्रेड नाइन केमिस्ट्री डेट यू डेफिटली शुड नॉट स्के आपको नाइनटी परसेंट या उससे ज्यादा लाने में बिल्कुल हेल्पफुल होगा तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना डू शेयर फ्रेंड इज वेल एंड स्टार्ट करते हैं इंटरकनवर्जन of states of matter. कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब फ्रॉम द वर्ड वी कैन अंडरस्टैंड कि सॉलिड से लिक्विड जब लिक्विड से सॉलिड से डायरेक्टली गैश स्टेट में जा रहा है तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या बोलते हैं तो आपका चैप्टर जो है इज इवेपोरेशन ये सारी चीजें स्पेशली कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस पर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देना ठीक है नेक्स्ट आपका है कोलोइड्स वर्सेस ट्रू सेल अपार्ट फ्रॉम दैट कोलोइ वर्सेज सस्पेंशन भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका सेकेंड चैप्टर में है इज is... इज मैटर अराउंड अस प्योर ठीक है तो इस पर्टिकुलर केस में आप जो जितने भी यू you नो know, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट है पार्टिकल साइज है कौन टेंडल इफेक्ट शो करता है कौन टेंडल इफेक्ट शो नहीं करता ये सारी चीज़ें जब हम सेशन में पढ़ेंगे उसमें ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है उस पर आपको और ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि कोलोइ से स्पेशली आपको डिस्पोस्ड फेस डिस्पोर्शन मीडियम ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं ठीक है ये आपके सेकेंड चैप्टर का टॉपिक है नेक्स्ट आपका है है कंपाउंड्स वर्सेस मिक्सचर ठीक अब आपको ये चीज पता है कि प्योर सब्सटेंस में इट इज क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स इनटू एंड कंपाउंड्स मिक्सचर का ऐसे कोई यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होता इन मिक्सचर यू हैव होमोजेनियस मिक्सचर एंड हैोजीनियस मिक्सचर सो व्हाट एग्जैक्टली आर कम्पाउंड वट एग्जैक्टली आर मिक्सचर्स ये चीज पे आप ज्यादा ध्यान देना अपार्ट फ्रॉम दैट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ठीक है इस पे भी आपको ज्यादा ध्यान देना है इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है मेक श्योर यू पे एक्स्ट्रा अटेंशन टुवर्ड्स दिस अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी जो भी स्टूडेंट्स ग्रेड नाइन्थ और ग्रेड टेंथ के एनसीआर टी सल्यूशन डाउनलोड करना चाहते हैं ऑल द सब्जेक्ट्स आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे स्क्रोल डाउन करोगे तो ऐसा आएगा डाउनलोड सीबीएसई नाइन्थ एंड टेंथ ऑल सब्जेक्ट्स एनसीआर टी सल्यूशन और ऐसा एक लिंक दिया गया होगा इस पर क्लिक करके यू कैन डाउनलोड ठीक है नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड बैलेंसी अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी आपको ग्रेड टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ एग्जाम तक जीवन भर जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो आई आई जेई नीट का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको यूजफुल होगा या केमिस्ट्री से रिलेटेड आप कोई स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो तो भी ये बेसिक आइडिया आपको आनी चाहिए ठीक है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिफरेंट शेल्स किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी क्या है कौन से ऐसे सेट ऑफ एलिमेंट्स है जो वेरिएबल वैलेंसी एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं तो इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना इसका मैंने मैं आपको ट्रिक और निमोनिक भी बताऊंगी जब मैं आपके सेशन लूंगी Uh, uh, मैं, छोड़कर uh, मैंने उस पर्टिकुलर से जरूर देख लेना थीके? तो कैसे केमिकल फॉर्मुला लिखते हैं सो यू हैल्टीप्लाई केमिकल फॉर्म्यूला सही लिखना जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करोगे ठीक है सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना अगर नहीं किया है मैं इंस्टाग्राम हैंडल इज लिखता अंडर स्कोर जीरो एट एस एच यू एंड यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम इज वेल सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड आई होप आज का सेशन काफी यूजफुल और प्रोडक्टिव लगा होगा डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल डू शेयर विद योर फ्रेंड्स इज वेरी वेरी वन हैप्पी लर्निंग बाई